पानी नहीं आता है। या जी मैडम, ये 3 महीने से वापस ले आया है, ये का तो रोग, ये का 3 महीने से पानी नहीं आता है, इधर पूरी भेड़े भर गई, ये भेड़ वाला चक्कर आ रहा है, ये आदमी है ना, ये की भेड़ मर गई है, फिर भी ये आदमी का चक्कर आ गया, जोधपुर ले गया था 3 महीने में वापस ले आया है, कोई सुनाई नहीं कर रहा है, वो प्रमुख को फोन किया था, जयन को फोन किया था, डामा रहा है। आप बताएं कि यहाँ पानी ट्यूबवेल है या कनेक्शन है? ये हमारा ट्यूबवेल है हमारा, ये बना हुआ है 4-5 साल हो चुके हैं, 1 साल पानी सही मिला था, 4 साल से पानी बिल्कुल सही तो नहीं मिला है, आज 6 महीने से बिल्कुल बंद है, ये दामाराम बिल्कुल पानी नहीं मिला। 1500 रुपए का हमें टैंकर डलवा रहे हैं और कोई हमारी समस्या सुनने वाला नहीं है, जय नहीं आइए ने सबको फोन कर रहे हैं, तो वो एमएलए साहब, एमएलए को प्रशासन को, प्रशासन को अवगत करें, प्रशासन ने आपने लिखित में कुछ दिया? हमने लिखित में जिला प्रमुख को दी थी, तो उन्होंने बोला 5-6 दिन के आपकी समस्या हो जाएंगे, फिर अभी तो कुछ नहीं हुआ है और हम प्यास मरे और हजार से जय हमारा फोन नहीं उठा रहा है। कितनी भेड़े मर गई? हमारी 30 से 40 भेड़े मर चुकी है और यहाँ पर भेड़ों के मरने से अभी मर रही है, फैल रहा है और आपने देखा अभी इधर हड्डियाँ बहुत सारी है, पड़ी है, भेड़े ये पूरा पानी के कारण से मर रहा है। अच्छा, बिजली यहाँ बिल्कुल नहीं है? बिजली नहीं है, बिल्कुल बिजली नहीं है। 2 मिनट आती है, आपने देवी कोर्ट से इनको इनको को लिखित में, देवी कोर्ट में लिखित में नहीं बोला, बोला राज कभी बोलते खंभे खड़े हुए, कभी बोलते क्या है लाइट बिजली नहीं है, 6 घंटे के अंदर 1 घंटा लाइट आ रही है, 6 घंटे में 1.5 घंटा नहीं आती है, लाइट भी नहीं आती है, गाँव छोड़ बखेरी देवी कोर्ट, इस गाँव में न लाइट आती है न 6 महीने से पानी, लोग टैंकर मंगवाते हैं, हालात बड़े गंभीर हैं, भेड़ बकरियां मर चुकी है, पानी की जगह मिट्टी पड़ा है। कैमरामैन भूलाराम, कैमरामैन के साथ लोक वार्ता बेनू चौहान, देवी कोर्ट।